हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जूलॉजी क्लास। आज आपका बीएससी सेकेंड ईयर में जो लेक्चर वीडियो को टॉपिक होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हिंदी में कहते हैं भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक क्या है? समय सारणी। यहाँ पर ये टॉपिक क्या आपका है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंडीशंस आती है, व्हाट इज द अर्थ टाइम स्केल। अर्थ टाइम स्केल है क्या? द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज रिकॉर्डेड ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड जियोलॉजिकल एवेंट्स इन द अर्थ हिस्ट्री। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है यहां पर, उसको हमने रिकॉर्ड किया है लाइफ फॉर्म और जो भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं अर्थ की हिस्ट्री में, अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर लाइफ के ओरिजन तक, उनका सबका जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसी अध्ययन को ही हम कह देते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे कह रहे हैं। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टाइम स्केल बनाया, एक समय सारणी बनाई, कैसे रॉक लेयर को और फॉसिल्स को स्टडी करके पूरे विश्व में, और साथ में उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से एक टाइम स्केल का फॉर्मेशन किया, फिर उसका विभाजन किया। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सहायता से जीवाश्मों तथा उनकी चट्टानों की आयु निर्धारित की जा सकती है यहाँ पर। ठीक, जीवाश्मों और चट्टानों की आयु के अनुसार विन्यासित करके एक क्या बनाया गया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का फॉर्मेशन किया गया यहाँ पर। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम स्टडी करेंगे यहां पर, तो एक कह सकते हैं कि जो ईरा होती है वो ईओन होता है, सॉरी, वो सबसे बिगेस्ट होता है, उसके बाद ईरा होती है, ईरा के बाद पीरियड होता है, पीरियड के बाद क्या होता है, इपोक होता है यहां पर। क्लियर? मींस कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इपोक है यहाँ पर, कंडीशंस कहते हैं। अब यहाँ पर आता है, नेक्स्ट वन आता है कि जो ईराज होती है, प्रत्येक योन को हमने तोड़ा, किस में तोड़ा, ईरा में तोड़ा, ईरा में ब्रेक डाउन किया यहाँ पर। तो जब ईरा में हमने उसको ब्रेक डाउन किया यहाँ पर, तो मेजर यहाँ पे है आर्चिन है, प्रोटीरोजोइक है, पैलोजोइक है, मीसोजोइक है, सीनोजोइक है, और ये थे 4600 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 2500 मिलियन ईयर एगो तक थी यहाँ पर। 2000 प्रोटीरोजोइक थी, 2500 मिलियन ईयर एगो से लेकर 540 मिलियन ईयर्स एगो थी। पैलोजोइक थी 540 से लेकर 250 मिलियन ईयर एगो थी। मीसोजोइक है 250 से 65.5 65.5 मिलियन ईयर एगो थी। सीनोजोइक थी 65.5 से लेकर जो आज तक चल रही, वो कौन सी चल रही, सीनोजोइक चल रही यहाँ पर। फिर ईरा को हमने और स्पेसिफिक ब्लॉक में डिवाइड किया। ईरा को हमने डिवाइड किया है किस में डिवाइड किया, पीरियड्स में। मतलब जितनी भी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उनको हमने एसोसिएट कर दिया, किसके साथ एसोसिएट कर दिया, उनको पीरियड के साथ। फिर इस पीरियड को सब फिर हमने डिफरेंशिएट किया, किस में डिफरेंशिएट किया, हमने किया इपोक में डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, फिर से दोबारा हमने कर दिया। मैं तभी मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द इपोक कंडीशन। अब यहां पर आता है कि हमारे पास एजोइक है, पहली इरा थी, क्या थी कि नो लाइफ, ओनली केमिकल रिवोल्यूशन टेक प्लेस। मींस कह सकते कि इस इरा में, एजोइक इरा में फॉर्मेशन हो रहा था, ओरिजन हो रहा था, किसका ओरिजन हो रहा था, अर्थ का। द ओरिजन ऑफ अर्थ टेक प्लेस इन द एजोइक। ठीक, दूसरी आपके पास इरा है आर्कियोजोइक इरा, इरा ऑफ इनविजिबल लाइफ, या हम कह सकते कि एज ऑफ द इनविजिबल लाइफ एंड प्रोकैरियोट्स पे यहां पर शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत होगी, मोनेरा की शुरुआत होगी। क्लियर? ऑक्सीजन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगे एटमॉस्फेयर में, तो प्रोकैरियोट्स लाइक ऑर्गेनिज्म यहां पे डेवलप हो गए, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनिमल्स या
प्रोकैरियोट्स डेवलप हो गए यहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पर प्रोटियोजोइक एरा। जो प्रोटियोजोइक है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स और यूकैरियोट्स का कुछ का इवोल्व है। वेरियस ग्रुप ऑफ मैराइन वर्टिब्रेट्स अपीयर हुए यहाँ पर। फॉसिल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे मिला। इसको हम कह सकते हैं एज ऑफ एंशियंट लाइफ एंड अर्ली यूकैरियोट्स। क्लियर? यहाँ पर मींस हमें प्रोटोजोअन स्पंज मिले, सिनेडेरिया मिले यहाँ पे। क्लियर? मोलस्कस यहाँ पे हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा प्लांट में हमें थैलोफाइटा फॉसिल्स इवोल्व हुआ यहाँ पर पहली बार। अब आता है उसके बाद पैलोजोइक के यहाँ पे आता है कंडीशन। जो पैलोजोइक है यहाँ पर वो पैलोजोइक का डिवाइडेड इनटू द सिक्स पीरियड, वो सिक्स पीरियड पे डिवाइड किया गया है यहाँ पर। सिक्स पीरियड पहला था कैम्ब्रियन था, ओडोविशियन था, सिलोरियन था यहाँ पर, डिवोनियन था, कार्बोनिफेरस था, परमियन था। इन पे हमने इसको सिक्स पीरियड पे डिवाइड कर दिया। अब आता है पहला कैम्ब्रियम। इस कैम्ब्रियम पीरियड में हमको मिले थे जाइंट ऑर्थोपोड्स, जिन्हें हम बोलते हैं ट्राइलोबाइट्स बोलते हैं, या जाइंट मोलस्कस मिले थे, ब्रैकियोपोडस बोलते हैं, और सिफलोपोडा थे जो जिनके सिर पे क्या होता पाद होता है, एविडेंटली वो पाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेट्स अपियर हुए थे यहाँ पर। क्लियर? फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेट्स आर द अपियर्स यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर क्या था आपको, मैराइन एल्गी थी, फंजाई था, बैक्टीरिया था यहाँ पर। क्लियर? तो हम कह सकते कि दिस वन इज द एज ऑफ द ट्राइलोबाइट्स। ये ए कैम्ब्रियन जो है वो ट्राइलोबाइट्स की एज है यहाँ पर। उसके बाद है ओडोविशियंस। क्या होता है ओडोविशियन में, कि ऑरिजन ऑफ जॉलेस फिशेस ऑस्ट्रेकोडर्मी, जो पहला वर्टिब्रेट मिला था हमें यहाँ पर, पहला वर्टिब्रेट। और जितने भी थे वो यहाँ पर वर्टिब्रेट के फॉर्म से सब मैराइन फॉर्म में थे। और मैराइन फॉर्म के अलावा एल्गी भी मैराइन बहुत एक्सेस मात्रा में थी। तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द कि एज ऑफ द कह सकते हैं कि मैराइन जॉलेस फिशेस ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड मैराइन एल्गी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मात्रा थी। उसके बाद आता सिलुरियन फिशेस थी। सिलुरियन फिशेस में क्या थी कि जो जॉलेस ऑस्ट्रेकोडर्मी थी वो बहुत यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज पे थी। और साथ में यहाँ पे ओरिजन ऑफ ट्रू फिशेस हुआ यहाँ पर, कह सकते हैं कि ट्रू फिशेस का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड थे, स्पाइडर थे, स्कॉर्पियंस थे, इनका माइग्रेशन हुआ, प्रवर्शन हुआ। कहाँ पे प्रवर्शन हुआ, लैंड्स की तरफ हुआ यहाँ पर, कह सकते हैं। क्लियर? तो कह सकते हैं कि ये जो कैसा, हाँ एक और भी कहता है यहाँ पर, फर्स्ट डिफाइंड एविडेंस ऑफ द लैंड प्लांट्स, पहला प्रमाण मिलता है लैंड के प्लांट में। साइलोफाइट्स है जो एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट डे का फॉर्न है, और एल्गी भी क्या थी, वो डोमिनेंट कंडीशन थे। कह सकते हैं कि एज ऑफ द हायर इनवर्टिब्रेट्स थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे वर्टिब्रेट्स की संख्या, तो इसलिए ये जो हायर इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं इसे हम। उसके बाद है यहाँ पर, सॉरी पीरियड होगा, यूरियड लिखा है, पीरियड डिवोनियन। ये डिवोनियन पीरियड कहता है कि गोल्डन एज ऑफ द फिशर्स हम लोग कहते हैं, जब फर्स्ट एम्फीबियन ग्रुप यहाँ पे इवोल्ड हुआ था। फर्स्ट एम्फीबियन ग्रुप कहने मीन्स स्टिगोसिफेल अपियर्ड, फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पे लॉन्ग फिशर्स अपियर्ड हुई थी यहाँ पर। ब्रैंकियोपोडा फ्लोरिशिंग होते बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन ट्राइलोबाइट की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी। और पहली बार यहाँ पे जो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स है, जो लैंड प्लांट है, वो एस्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर। उसके बाद है कार्बोनिफेरस, से कहते हैं एज ऑफ द एम्फीबियंस एंड फॉन्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे एम्फीबियंस का डाइवर्सिफिकेशन हुआ विभिन्न फॉर्म पे गए। स्टेम रेप्टाइल जैसे सीमोरिया है वो भी अपीयर्ड हुआ, जो कि इट इंक्लूड्स इन ए प्रेजेंट टॉर्टाइज एंड टर्टल। विंग इंसेक्ट भी यहाँ पे इवोल्व हुए। टेरिडोफाइट बहुत ज्यादा में पाए जाते थे, दे आर द फॉरेस्ट फॉर्म द प्रेजेंट कोल माइंस, सो द नेम इज द कार्बोनिफेरस। यहाँ पर मींस, कहने का मींस है कि उस समय ये टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा संख्या में थे। जब ज़्यादा संख्या में, तो जिसके कारण वहाँ पर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज या कुछ भी अर्थ के कारण, जियोलॉजिकल एवेंट्स के कारण वो पृथ्वी में दब गए, जिसके कारण आज हमको जो फॉसिल्स फ्यूल मिल रहा वो इन्हीं टेरिडोफाइट्स के कारण मिल रहा है।
इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कार्बोनिफेरस। ब्रायोफाइट्स भी अपियर्ड हो गए थे यहाँ पर कंडीशंस पहली बार। परमियन में क्या होता है कि जो मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स सिनेप्साइट अपियर्ड पहली बार हुआ, ट्राइलोबाइट और अस्ट्रेकोडर्मिस यहाँ से क्या हो गया डिसअपियर्ड हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर ओरिजन ऑफ क्या हुआ कॉर्निफेरस प्लांट का क्या हुआ ओरिजन हुआ यहाँ पर, कह सकते कि फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स अपियर्ड यहाँ पर। सीड फर्न्स डिक्लाइन, जितने भी सीड फर्न्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे वो खत्म होने लगे यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर मीसोजोइक ईरा आता है। मीसोजोइक को हम ईरा को कह देते एज ऑफ रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ये पूरा जो ईरा होता है रेप्टाइल्स का डोमिनेंट था यहाँ पर और जिम्नोस्पर्म्स का डिवाइड था। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इंटू द थ्री पीरियड्स पे यहाँ पर। तीन पीरियड पे डिवाइड किया, तीन पीरियड्स में कंडीशंस कहने का मींस है आपका ट्रायजिक है, जुरासिक है, क्रिटेशियस है। जो पीरियड ट्रायजिक है इस पीरियड में क्या हुआ डायनासोर का ओरिजन हुआ और पहली बार अंडे देने वाले जंतु उत्पन्न हुए यहाँ पर पाए गए। लिमुलस प्रेजेंट था जिसे आप लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, और मैराइन इनवर्टिब्रेट्स की जो संख्या होती है वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ द साइकेड्स एंड कॉर्निफरस वो पाए जाने लगे और सीड फॉन्स क्या होने लगे वो धीरे धीरे डिसअपीयर्स होने लगे यहाँ पर पूरे और एक्सटिंक्ट हो गए। पीरियड ऑफ द क्रिटेशियस, क्रिटेशियस में क्या होता है कि यहाँ पर मास एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर हुआ एंड टू द बर्ड जिसे आर्कियोप्टेरिस कहते हैं आप। मीन्स कि बहुत बड़ी मात्रा में क्लाइमेटिक कंडीशन जियोलॉजिकल इवेंट के कारण डायनासोर टूथ बर्ड्स क्या हो गए वो डिसअपीयर्स हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूथीरियन मैमल्स जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं मैमल्स हैं या यूथीरियन मैमल्स हैं और मॉडर्न बर्ड्स क्या हुई वो एराइज हुई, वो ओरिजन हुआ यहाँ पर। और जो एंजियोस्पर्म्स था वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था यहाँ पे, पहली बार मोनोकॉट डेवलप हुआ और जिम्नोस्पर्म्स क्या हुए वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वो कम होने लगे। अब इसके बाद आता है ईरा सीनोजोइक ईरा। जो सीनोजोइक ईरा है उसे हम कहते हैं एज ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल एंड एंजियोस्पर्म्स, मतलब वो एज है किसकी बर्ड्स की, यहाँ पे बहुत डेवलप हुए फ्लोरिश हुए मैमल्स भी हुए और एंजियोस्पर्म्स भी हुए। पहला आपके पास पीरियड आता है टर्सरी। इस टर्सरी को हमने फाइव डिफरेंट इपोक्स में डिवाइड किया। पहला है पैलियोसीन, इस पैलियोसीन में प्राइमेट्स डेवलप हुए, एंजियोस्पर्म्स डेवलप फिर फर्दर हुए यहाँ पर, क्लियर, फर्दर फिर डेवलप हुए यहाँ पर कंडीशन। ईओसीन में क्या अपीयर द हूफ्ड एनिमल्स ईओहिप्पस एंसिस्टर ऑफ हॉर्स जिसे कहते हैं, आप जब इवोल्यूशनरी ऑफ द हॉर्स पे पढ़ेंगे तो ईओहिप्पस क्या था एंसिस्टर ऑफ द हॉर्स था वो अपीयर हुआ पहले टाइम। एंजियोस्पर्म फिर फर्दर डेवलप होने लगे एपोक ऑलिगोसिन में, मंकी और कपी क्या हो गया वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए यहाँ पर, क्लियर। मायोसिन में क्या हुआ मैन लाइक एप्स डेवलप हुआ जैसे कपी हुआ मनुष्य के समान, कपी जिसे आप बोलते हैं डायोपिथेकस बोलते हैं अपीयर हुआ। और मैरिचेपस हॉर्स भी यहाँ पर क्या हुआ वो इवोल्व हुए। टेरिस्टल एनिमल्स जो थे वो मोस्ट प्रोग्रेसिव होने लगे, टेरिस्टल मैमल्स एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव ऑर्थोपोड्स ऑल्सो डेवलप यहाँ पर कंडीशन। इपोक प्लायोसिन में एप लाइक एंसिस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर, एप लाइक मतलब कि कह सकते हैं कि प्री डेवलप प्री मैन डेवलप ओरिजन ऑफ मैन हॉर्स एंसेस्टर प्लायोहिप्पस मीन्स फर्स्ट स्टोर यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ। और डाइवर्सिफिकेशन भी होने लगा एंजियोस्पर्म्स का कॉन्टिन्यूटी में, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होने लगे यहाँ पर। क्वार्टरनी पीरियड आता है, क्वार्टरनी पीरियड में इसको दो भागों में डिवाइड किया है। प्लेस्टोसीन आइस एज होता है, ह्यूमन अपीयर्ड हुआ यहाँ पर पहली बार, अपीयर्ड हुआ यहाँ पर और इवोल्ड हुआ यहाँ पर, ठीक। जाइंट मैस्टोडॉन्स एंड वूली मैमोथ जिसके शरीर पे पूरे बाल पाए जाते थे वो एक्सटिंक्ट हो गया यहाँ पे। और मॉडर्न हॉर्स डेवलप हुआ, मॉडर्न हॉर्स मीन्स इक्वस
और इसके अलावा ग्रासलैंड और फील्ड्स का भी अपीयर होने लगा, इपोक जिसे बोलते हैं हम लोग एज ऑफ द मैन, ओके, इपोक द एज ऑफ द मैन, जी मॉडर्न मैन अपीयर्ड हुआ, उसकी सुप्रीमेसी होनी चालू हो गई यहाँ पर, और डिक्लाइन ऑफ द वुडी प्लांट जो कास्टी पौधे थे वो कम होने लगे और हर्बेशियस प्लांट बढ़ने लगे, और बहुत बड़ी मात्रा में स्पीसीज क्या होने लगी, वो एक्सटिंक्ट होने लगी यहाँ पर। तो ये कंडीशन है।